जीके न्यूज पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप। जिस तरीके से बात की जाए, आजकल चोरी के मामले काफी सामने आ रहे हैं। अगर हम श्रीनगर की बात की जाए, वहां से भी काफी चोरी के मामले सामने आए हैं, और खासकर ये चोरी के मामले तब देखे जाते हैं जब जितने भी लोग शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं, वो शादी अटेंड करने के लिए जाते हैं या फिर जो फंक्शंस होते हैं वो अटेंड करने के लिए जाते हैं, और उस बीच क्या होता है कि आप अपना जो घर है वो ऐसे ही छोड़ के जाते हैं, वहां पे ताला लगाया जाता है, गेट पे ताला लगाया जाता है। उसके बाद जितने भी मेंबर्स है घर के वो शादी अटेंड करने के लिए चले जाते हैं या फिर कोई भी फंक्शन हो वहां के लिए चले जाते हैं, और इस बीच सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि चोर जो है वो उस बीच आ जाते हैं, इस चीज का फायदा उठाते हैं और घर पे चोरी का अंजाम दे देते हैं। ऐसी कई खबरें सामने आई है, खासकर अगर हम श्रीनगर की बात कर रहे हैं, हाल ही में कहीं ऐसी खबरें सामने आई है जहां पर बताया जाता है कि कुछ लोग जब शादी के लिए घर से बाहर जाते हैं तो उसके बाद जो चोर है उनके घर पहुंचते हैं और वहां पर चोरी हो जाती है। जब वो चोर जब ये जो है ये पता लगाते हैं कि घर पे कोई नहीं है, घर वाले सारे जितने भी मेंबर्स हैं वो शादी अटेंड करने के लिए गए हैं या फिर फंक्शंस अटेंड करने के लिए, तो काफी ऐसी चीजें जो हैं वो घटी हैं। इस बीच श्रीनगर पुलिस की बात की जाए तो उन्होंने सभी लोगों से ये अपील की है कि जब भी आप कहीं जाते हैं तो अपने घर को ऐसे अकेला ना छोड़े। अगर आप जो है जाते हैं कहीं जाना, अगर आपने इम्पोर्टेंट है, शादी की बात की जाए, फंक्शंस की बात की जाए, उस बीच सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप जो भी आपका कीमती सामान है उसे जो है सेफ जगह पर रखें। श्रीनगर पुलिस ने सभी लोगों से एडवाइस किया है कि अपने घर की कीमती चीजों को सेफ रखें, और वहीं पर श्रीनगर पुलिस ने भी कहा है कि कुछ लोग हैं, श्रीनगर सिटी की बात की जाए वहां पर कुछ मामले सामने आए हैं जहां पर से जो कैश है वो लूटा है घरों से, उसके बाद जो कीमती चीजें हैं वो भी लूटी हैं। उस वक्त लूटी जाती हैं जब घर वाले शादी या फंक्शन जो अटेंड करने के लिए जाते हैं। पुलिस ने ये एडवाइस दी है कि अगर आपने ऐसे चोरी से बचना है तो सभी लोगों को जो भी अपनी कीमती चीजें हैं उन्हें सेफ करना बेहद जरूरी है। अगर हम कैश की बात करें उसे भी सेफ करना बेहद जरूरी है। और उसके बाद जो पुलिस ने ये भी कहा है कि जितने भी चोर जो घूम रहे हैं उनकी नजर आपके घर पे लगातार होती है, वो वेट करते हैं कि कब आप घर से बाहर निकले और वो चोरी का अंजाम दे। इस बीच ये बेहद जरूरी हो जाता है कि जो सामान कीमती सामान है उसे आप सेफ रखें, और वहीं पर श्रीनगर पुलिस ने लोगों से ये अपील की है कि आपके घर में जो ज्यादा कैश है उसे ना रखें, जितना भी कैश होता है उन्हें बैंक में लॉकर्स में रखें, एटीएम में रखें, डेबिट और क्रेडिट कार्ड में रखें, और उसके अलावा कुछ कीमती सामान है अगर ज्वेलरी की बात की जाए तो उन्हें भी बैंक में सेफ रखें। अगर कुछ ज्वेलरी आप पहनते हैं, रोजाना पहनते हैं, तो उन्हें ऐसी सेफ जगह रखे जहां पर चोर उसे चोरी ना करें, या फिर उन ज्वेलरी को अपने पास रखे जब आप घर से बाहर जाते हैं। और इसके अलावा पुलिस ने यह भी कहा है कि काफी जो ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर ये चीज सामने आती है कि चोरी के मामले सामने आ जाते हैं जब कोई घर से बाहर चले जाता है। और उस बीच पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर आपको कुछ भी शक होता है, कोई भी आपके घर से या नजर रख रहा है आप पे, आपको कोई भी शक या अंदेशा होता है, तो उस बीच सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सबसे पहले पुलिस को कन्फर्म करना है कि यहां पर ऐसी चीजें हो रही हैं। जब भी आपके घर पे या फिर कुछ आपको ऐसी चीजें महसूस होती हैं कि कोई आपके घर पे कोई नजर रख रहा है या फिर आसपास के घर पे चोरियां हो रही हैं, तो उस बीच सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि आपने पुलिस में कन्फर्म करना है, चाहे चीज छोटी हो या बड़ी हो। अक्सर लोग जो है छोटी चीज चोरी हो जाती है तो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही छोटी चीज जो है बड़ी चीज में भी तब्दील हो सकती है, यानी कि जो चोरी अगर छोटी चीज की होती है तो बड़ी चीज की चोरियां भी हो सकती है। तो इस बीच बेहद जरूरी है कि आप पुलिस को कन्फर्म करें, जो आपका कीमती सामान है वो आप जो है अपने घर पे सेफ तरीके से रखें, या फिर जो कैश है वो एटीएम में ही रखें, और उसके अलावा एटीएम कार्ड भी अपने पास रखें, और जो ज्वेलरी है उन्हें भी सेफ जगह पे रखें और घर से